मॉनसून की पहली बरसात से हल्द्वानी शहर में जलभराव ने प्रशासन और नगर निगम की पोल खोल दी। डीएम सविन बंसल ने नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और जल संस्थान के अधिकारियों की क्लास लगाई। इसके अलावा सिंचाई विभाग और नगर निगम को एक हफ्ते के अंदर शहर की नहरों और नालियों को पूरी तरह से साफ करने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ फुटपाथ, नहर और नालियों में हुए अतिक्रमण के चिन्हीकरण करने के लिए भी जिलाधिकारी ने टीम गठित की है। इसी खबर पर हर्ष रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष रावत, ये बैठक तो हुई और अधिकारियों की क्लास भी लगाई, लेकिन जमीनी स्तर पर इसको लेकर अभी कितना काम किया जा रहा है? जी देखिए दीपिका, अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले हल्द्वानी शहर में लगातार भारी बारिश हुई थी। भारी बारिश के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया था। नैनीताल रोड जो कि हल्द्वानी की लाइफलाइन है, हार्ट ऑफ द सिटी कही जाती है हल्द्वानी की, वहां पर पूरा जलमग्न हो गया था। नहरी बन गई थी नैनीताल रोड, जिसके बाद जिलाधिकारी, नवनियुक्त जो जिलाधिकारी है सविन बंसल, उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी हो, जल संस्थान के अधिकारी हो, सिंचाई विभाग के अधिकारी हो, नगर निगम के अधिकारी के साथ एक बैठक की है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि फ्यूचर में भविष्य में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, बरसात को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहे। जितनी भी जो नदी नाले जो चौक हो गए थे, नालियां जो चौक हो गई थी, उन नालियों का निकासी निकाला जाए। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी और जल संस्थान, सिंचाई विभाग, सभी विभागों के अधिकारियों को कहा आपसे सामंजस्य बना के काम करे। सबकी जवाबदेही तय की है डीएम ने कि कोई भी इस तरह की चीजें सामने अगर आती है तो उसमें उस संबंधित विभाग के अधिकारी की जवाबदेही होगी और उसको जवाब देना होगा कि आखिर ये चीजें कैसे हो गई। तो कह सकते हैं जिलाधिकारी, नवनियुक्त जिलाधिकारी है, एक्शन के मूड में आ गए। हर्ष रावत, बरसात का मौसम आ चुका है और इस बीच ये कड़े निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये भी कि यहाँ तक नौबत आनी क्यों दी जाती है? ऐसी बात की जाए तो पूर्व के समय में जो भी इंक्रोचमेंट था हल्द्वानी शहर के अंदर, जो अतिक्रमण था फुटपाथ के ऊपर, उसके वजह से इस तरह की समस्या आ गई है। फिलहाल अधिकारियों का साफ तौर से यह निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि जो इस तरह का इंक्रोचमेंट है, जो नदी नाले में जो चीजें बन गई हैं उसको तोड़ने का, ताकि जो बरसात के समय पानी निकासी का माध्यम होना चाहिए उसकी निकासी की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष रावत इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ तक नौबत आने दी जाती है, पहले प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जाता है, हालांकि ये सभी तैयारियां बरसात के मौसम से पहले होनी चाहिए थी।